नमस्कार, मैं रचा कौशिक। आप अभी देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका का फेसबुक लाइव पेज और हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे साथ और व्यूवर जुड़े और जो भी आज की देश और दुनिया की तमाम खबरों का अपडेट है वो हम आपके साथ साझा कर सकें। तभी हमें वेट रहेगा कि हमारे साथ और लोग जुड़े हैं ताकि है, जो भी हमारे पास खबरों का सिलसिला है वो हम आगे बढ़ा सकें। हाँ, तो जो पहली खबर है वो हमारे पास कन्नौज बिजली विभाग की टीम से ग्रामीण की अभद्रता पाई। कन्नौज से एक खबर आई है जहाँ पे जो गांव के लोग हैं उन्होंने बिजली विभाग के साथ अभद्रता की है। बिजली बिल के बकाया भुगतान के लिए चला रही थी बिजली विभाग, बकाया बिल है उसके लिए अभियान चला रही थी जिसमें ग्रामीणों ने उनके साथ बदसलूकी की। इस बदसलूकी अभियान में ग्रामीणों ने कर्मचारी से मारपीट की है। विभाग के अन्य कर्मचारी कोतवाली पहुँचे और वहाँ पर तहरीर सदर कोतवाली क्षेत्र में मुक्का पूर्वा का मामला चल रहा है यहाँ पे। और दूसरी खबर प्रयागराज से, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आग लग गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर बने ओवर ब्रिज पर लगी थी आग। आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले बिजली के पैनल में लगी थी आग, आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया था। जी, अगर जो भी जो हमारा सेशन चल रहा है लाइव का जहाँ पे हम आपके साथ खबरें साझा कर सकें, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी खबर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की खबर हापुड़ से है। जिले में जंगली जानवरों की दस्तक है, जंगल में घूमता दिखा तेंदुआ। हापुड़ में भी आजकल जैसे कि बहराइच में चल रहा है कि जंगली जानवर कस्बे में आ चुके हैं और 17 लोगों की जान जाने का अभी तक खबर आ चुकी है। इस तरह हापुड़ में भी एक खबर आई है जहाँ पर जिले में जंगली जानवरों ने दस्तक दी है। तेंदुए जंगल में घूमता दिखा तेंदुआ देख ग्रामीणों के होश उड़ गए थे। ग्रामीणों ने तेंदुओं का वीडियो वायरल कर दिया है। धौलाना के करनपुर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। जो वीडियो है तेंदुए का वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और ये धौलाना कस्बे के करनपुर गांव का वीडियो बताया जा रहा है। आगे की जो खबर है वो शामली जिले से, उत्तर प्रदेश के शामली जिले से, जहां प्रॉपर्टी डीलर गुड्डन कंबोज की हत्या का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि दो बेटों ने अपने पिता की हत्या कराई थी 10 लाख की सुपारी देकर। बताया जा रहा है कि हत्या का कारण प्रॉपर्टी में बंटवारे को लेकर हत्या करवाई गई है। पुलिस ने मृतक के दोनों बेटे दो शार्प शूटरों को पकड़ा। एक शार्प शूटर से पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी मर्डर की वारदात। जी, आपको बता दें कि ये जो खबर शामली से है जिसके पीछे पुलिस काफ़ी दिनों से लगी हुई थी उसमें खुलासा हो चुका है। जो गुड्डन कंबोज की हत्या का मामला था उसमें उनके दोनों बेटों को आरोपी पाया गया है। दोनों बेटों ने भी पिता की अपने हत्या कराई थी जहां पर उन्होंने 10 लाख की सुपारी देकर हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने हत्याकांड में शामली से 6 लोगों को पकड़ा है। 6 लोगों का नाम इसमें सामने आया है। पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है। एक शार्प शूटर से पुलिस की मुठभेड़ भी हो गई और सदर कोतवाली क्षेत्र में मर्डर की वारदात हुई थी। तो ऐसे ऐसे केसेस जो सामने देखने को आ रहे हैं इसमें आजकल लोगों का भरोसा करना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि अगर बाप की हत्या बेटों ने ही करा दी तो थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक मामला भी सामने। और आगे की खबर बदायूं से है। कार ने साइकिल सवार छात्र को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गया। परिजनों ने घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराए। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच और पड़ताल शुरू की। बिसौली कोतवाली के पनौड़ी गाँव के पास का ये मामला है। तो ये जो खबर बदायूं से है इसमें एक साइकिल सवार छात्र की कार वाले ने टक्कर मार के हत्या कर दी। आए दिन हमें रोड पे ऐसे तमाम खबरें देखने को मिलती है और हमें लगता है कि शासन और प्रशासन को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेने की ज़रूरत है। और आगे की खबर हमारी इंटरनेशनल खबर है जहाँ पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने इस बात का भरोसा जाहिर किया है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को ख़त्म करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यानी भारत रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इतने दिनों से, भारत उस युद्ध को ख़त्म कराने में एक अहम भूमिका में नज़र आ सकता है। मेलोनी ने आगे कहा कि ये बातें ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कही। वहीं मेलोनी की तरफ से आए इस तरह की बात पर मुहर लगाई जा सकती है कि भारत का रुतबा कैसे दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जॉर्जिया मेलोनी ने जो स्टेटमेंट दी है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत एक तरह से
मुख्य भूमिका में नज़र आ सकता है उसमें। उस तरह से हम ये चीज़ साबित कर सकते, हमें ये चीज़ पर हम मुहर लगा सकते हैं कि भारत का रुतबा कैसे दुनिया में यानी इंटरनेशनल स्तर पर कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद से गोरखपुर से जो हमारी खबर है कि गोरखपुर में कल उपराष्ट्रपति राजदीप धनखड़ पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया था। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधन भी किया, जहाँ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफ़ी तारीफ की। उपराष्ट्रपति राजदीप धनखड़ ने माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन की सराहना की और ये बताया कि उत्तर प्रदेश में कैसे माफिया राज को सीएम योगी ने उखाड़ देता है। सीएम योगी के आने के बाद यूपी में जो माफिया राज था उस पर कई बहुत तरीक़ों से लगाम लगाई जा चुकी है, और उसी की तारीफ़ करते हुए जगदीप धनखड़ ने योगी आदित्यनाथ की बहुत सराहना भी की है। और आपको बता दें कि कल जगदीप धनखड़ गोरखपुर में उपस्थित थे, मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। आगे की खबर हमारी असम से, असम सरकार के नए आदेश आए हैं जहाँ पे सियासत गरमाई हुए। हेमंत बिस्व सरकार का नया फरमान सामने आया, इसके पहले भी हेमंत बिस्व सरकार का लव जिहाद को लेकर और जमीन जिहाद को लेकर जो भी फैसले थे वो काफ़ी दिनों तक हमारे खबरों के में और सियासत में गरमाए हुए थे। अभी जो असम सरकार का एक नया आदेश आया जो कि सियासत में बहुत काफ़ी गर्मा गर्मी, वहाँ पे हेमंत सरकार का नया फरमान सामने आया है, जहाँ पे आधार के लिए NRC नंबर को ज़रूरी यानी मान्य ठहरा दिया गया कि आधार कार्ड बिना NRC नंबर के नहीं बनेगा। और इसके बाद से आपको बता दें कि झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि देश का पहला राज्य होगा झारखंड जहां पे वकीलों को भी पेंशन दी जाएगी। रांची के ST छात्र छात्राओं के लिए बनेंगे और रांची के ST छात्र छात्राओं के लिए दो हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। और वकीलों के पक्ष में ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि रांची सरकार झारखंड सरकार वकीलों की जो भूमिका है देश के राष्ट्र के हित में, क्योंकि जितने जुडिशियल जो डिसीजंस होते हैं, जितने भी जुडिशियल से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वकीलों का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में। इस वजह से राज्य सरकार का ये जो फैसला है उसमें बताया जा रहा है कि वकीलों को भी पेंशन दी जाने की बात की जा रही है। ये आपको एक बार और हम खबरों के सिलसिले को दोहरा देंगे। जो लोग हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उनको बता दें कि कन्नौज से खबर आई है जहाँ पर विद्युत विभाग की टीम से ग्रामीणों ने अभद्रता की है। आपको बता दें बिजली बिल का बकाया भुगतान के लिए अभियान चल रहा था जहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारी गांव में पहुँचे थे, जहाँ पे उन्होंने जो बकाया बिल है उनकी राशि के लिए एक अभियान चलाया था। वहाँ पे ग्रामीणों ने कर्मचारी के साथ मारपीट की। मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मक्कापुरवा गांव का मामला बताया जा रहा है। आगे की खबर प्रयागराज से है जहां पे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर बने ओवरब्रिज पर ही आग लगी थी। आग लगने से रेलवे स्टेशन पर काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी और सबसे पहले बिजली के पैनल में आग लगी थी। आग ने देखते ही विकराल रूप धारण कर लिया था और बहुत कड़ी मशक्कत के बाद से जो आग पर काबू पाया गया था। इसके बाद से जो आगे की खबर है वो शामली से, शामली में एक डीलर गुड्डन कंबोज की हत्या का काफ़ी दिनों से पुलिस इस पर खोज विनोद कर रही थी। पुलिस की इस पर नज़र बनी हुई थी और आप अभी जो प्रॉपर्टी डीलर गुड्डन कंबोज की हत्या का खुलासा हो चुका है। दोनों बेटों ने पिता की हत्या 10 लाख की सुपारी देकर कराई थी। हत्या का कारण प्रॉपर्टी में बंटवारा बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्याकांड में शामली से 6 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने मृतक के दोनों बेटों, 2 शार्प शूटर को पकड़ा। एक शार्प शूटर ने पुलिस के साथ जबरदस्त मुठभेड़ भी की और सदर कोतवाली क्षेत्र में मर्डर की वारदात सामने आई थी, जिसके बाद से इस केस पर पुलिस की कड़ी नज़र बनी हुई थी और अब ये खुलासा सामने आ रहा है। आगे बता दें कि इटली की, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबर है जहाँ पर बताया जा रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वाल्डिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने इस बात का भरोसा जाहिर किया कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को ख़त्म करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और ये बातें उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कही। वहीं मेलोनी की तरफ से आए इस तरह के स्टेटमेंट के बाद इस बात पर भी मुहर लगाई जा सकती है कि भारत का रुतबा कैसे देश और विदेश
देश में आगे बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बुलंदियाँ छू रहा है। तो आपको आगे बता दें कि जो आगे की खबर है वो असम सरकार से, असम सरकार के नए आदेश पर सियासत गर्म चल रही है। हेमंत सरकार का नया फरमान सामने आया है, जमीन जिहाद और नर जिहाद को लेकर असम में काफ़ी हेमंत बिस्वा काफ़ी तरह से सियासती गर्मा गर्मी में बने ही रहे थे, लेकिन उनका जो नया फरमान है उसके बाद से एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। हेमंत सरकार का जो फरमान है वो ये है कि आधार कार्ड के लिए NRC नंबर को उन्होंने मान्य कर दिया है। अब आधार असम में आधार कार्ड बनवाने के लिए NRC नंबर मैंडेटरी हो चुका है। तो और इसके बाद से जो हमारी खबर है वो है झारखंड से, रांची से है, जहाँ देश का पहला राज्य झारखंड होगा जो वकीलों को भी पेंशन देगा। और रांची के ST/ST छात्रों के लिए भी दो हॉस्टल बनवाए जाएंगे। वकीलों के पक्ष में जो निर्णय लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि वकीलों का हमारे राष्ट्र में जुडिशियल में बहुत काफ़ी जो हमारे कानून व्यवस्था को सही बनाने में वकीलों का काफ़ी योगदान भी है, तो इस वजह से लेकर झारखंड सरकार